हमारे पास क्रिकबज लाइव पे एक सवाल आया है, कुलचा सेम नहीं है वर्ल्ड कप के बाद, पर मुझे लगता है कि वो दोनों इंडिविजुअली भी इतना अच्छा नहीं कर पाए हैं क्योंकि पहले MS धोनी रहते थे गाइड करने के लिए स्टंप्स के पीछे। वाओ इंटरेस्टिंग, आई फील दे आर फेलिंग टू री। अच्छा तो पहले कह रहे हैं कि इनका जो इनकी जो कामयाबी थी उसका श्रेय MS धोनी को भी जाता है क्योंकि हम सुनते थे पीछे से कैसे कहते थे, आगे डाल, आगे पीछे डाल दे, इसके पैर हिल रहे हैं, साइड ले जा। वीरू आप लेंगे सवाल? नहीं देखिए, MS धोनी के रहने से ये फायदा होता था कि वो बैट्समैन को पढ़ते थे कि ये क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है, और उसके अकॉर्डिंग वो गेंदबाजों को बता देते कि इसको दूर डाल दे, स्लो डाल दे, इसको पैर पे ही पकड़ के रख, तो ये हेल्प तो मिलती है। लेकिन इनके अर्ली कैरियर में MS धोनी इनकी बहुत मदद करके जा चुके हैं, अब तो इनको अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी, आपको इनको खुद ही सीखना पड़ेगा, बैट्समैन को खुद ही पढ़ना पड़ेगा कि ये कौन से शॉट आराम से खेलते हैं, कौन से शॉट पे इनको दिक्कत आती है, कभी स्टेप आउट करते हैं, कभी बैकफुट पे जाते हैं, तो ये गेंदबाज जब पढ़ लेगा तब शायद उसको गेंदबाजी करनी थोड़ी आसान हो जाएगी, तो अपनी लेंथ को ऑल्टर कर सकता है। बिल्कुल, मैं वीरू के बिल्कुल साथ हूँ, क्योंकि देखिए ना, अगर कुंजियों से पढ़ के आपने एग्जाम दिया ना तो फिर सीखना नहीं सीखा आपने, सिर्फ आंसर डाले हैं, तो आप उस तरह से भी इसको देख सकते हैं कि भाई आंसर जो आंसर पढ़ा बस वही लिख दिया, समझे नहीं गेम को। देखिए बिफोर धोनी आफ्टर धोनी के नंबर बिल्कुल अलग कहानी बता रहे हैं। बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है, जो महेंद्र सिंह धोनी का इम्पैक्ट है, यू नो, सिर्फ इन दोनों को छोड़िए, मैं तो इंडियन क्रिकेट की भी बात करता हूँ, कि उनका जो इम्पैक्ट है मुझे नहीं, मेरे मैंने लाइफ टाइम में नहीं देखा किसी और का इतना इम्पैक्ट, वाइडर इंडिविजुअल इम्पैक्ट तो बहुत है, बट तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है, नंबर्स वहां चेंज हो गए। बट ये इसका फ्लिप साइड भी होता है ना, जब आप जैसे मैंने कहा कि कुंजी का मतलब आपको हर बार आंसर मिला हुआ तो आपने सीखना नहीं सीखा, आपने खुद नहीं सीखा कि अच्छा बैट्समैन ये कर रहा है, ये कर रहा है, और जब वो बता रहे थे तब भी आपने ये हिसाब नहीं लगाया कि क्यों बता रहे हैं, कि भाई अगर इसके पैर नहीं चलते तो ऐसा थोड़ी है कि आंख से नहीं दिखता पैर नहीं चलते, कैसे चलते हैं वो आप नहीं पढ़ पाए, कौन सी पिच पर वो कह रहे थे कि कहां डालो वो आपने खुद नहीं पढ़ा है, अगर कौन सी स्टेज पे धीरे डालनी है, कौन सी स्टेज पे तेज डालनी है आपने पढ़ा ही नहीं, आपने कहा जो बोलते जाओ मैं करता जाऊंगा जी। इसीलिए आजकल की क्रिकेट में ना आउट ऑफ सिलेबस जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो सबको प्रॉब्लम हो जाती है। So, सही बात है, इम्पैक्ट जरूर है लेकिन इसका यू नो हर इम्पैक्ट का कोई ना कोई यू नो फ्लिप साइड होता है। एक इसमें बहुत बड़ा फर्क है, मैं अगर एक मिनट है हमारे पास तो बिल्कुल दो है आप बोलो। वीरू के टाइम तक भी जो अंडर 15 खेलता था, अंडर 19 खेलता था, जब कप्तान था कोई आदमी या प्लेयर था, वो जब टॉस जीतता था या हारता था ना खुद डिसीजन लेता था, फिर वो पिच देखता था, फिर गलती होती थी सीखता था, वो करते 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 आगे जाता था। अब अंडर 12 अंडर 10 उसमें भी चार कोच है, वो पहले से आपको लिस्ट देते हैं, इसको ऑफ स्टंप के बाहर डालनी है, इसको लेग स्टंप के बाहर डालनी है, इस विकेट पे टॉस जीत के बैटिंग करनी है, इस विकेट पे टॉस जीत के फील्डिंग करनी है। तो वो जब लड़का ग्रो होकर 8-10 साल बाद आता है ऊपर, उसको अपना डिसीजन लेने का कोई कोई आदत ही नहीं है उसको, तो आप कैसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो रीड करे पिच। आई थिंक ये जनरेशनल प्रॉब्लम है, और ये नो जैसे एजुकेशन का तो मुझे पता नहीं, हम गए नहीं कभी स्कूल कॉलेज, लेकिन क्रिकेटिंग एजुकेशन में ये बहुत बड़ा फर्क आया है कि आप बचपन में लोगों को गलतियां करने नहीं दे रहे तो वो सीखेंगे काम। और एक ये इंग्लिश में कहावत है ना बड़ी फेमस के, गिव अ मैन अ फिश एंड ही विल ईट फॉर वन डे एंड टीच हिम हाउ टू फिश एंड ही विल नेवर बी हंग्री फॉर लाइफ। तो मतलब आपने अगर एक दिन मच्छी खिलाया दी तो उस दिन तो खा के पेट भर जाएंगे, पर आप उनको मछली पकड़ना सिखाओ कि बाहर जाके कैसे पकड़ते हैं। तो यही हो रही थी यहां पर चर्चा।